गं गणपतये नमः। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकदंत विनायकी चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है, गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। हालांकि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले
गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहिए ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। गणेश चतुर्थी पूजा विधि, भगवान गणेश को पुष्प, सिंदूर, जनेऊ और दुर्वा चढ़ाएं। इसके बाद गणपति को मोदक का लड्डू चढ़ाएं, मंत्रोच्चार से उनका पूजन करें, गणेश जी की कथा पढ़ें या सुनें, गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें, भगवान की पूजा करें और लाल वस्त्र चौकी पर बिछाकर स्थान दें। गणपति बप्पा की स्थापना से पहले पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर लें। पूजा के लिए चौकी, लाल कपड़ा, गणेश प्रतिमा, जल कलश, पंचामृत, लाल कपड़ा, रोई, अक्षत, कलावा, जनेऊ, गंगाजल, इलायची, लौंग, सुपारी, चांदी का वर्क, नारियल, सुपारी, पंचमेवा, घी, कपूर की व्यवस्था कर लें। लेकिन ध्यान रखें कि श्री गणेश को तुलसी दल व तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके स्थान पर गणपति बप्पा को शुद्ध स्थान से चुनी हुई दुर्वा, जिसे कि अच्छी तरीके से धो लिया है, अर्पित करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।